हरी पत्ती फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। मेरे पंच का साउंड चार मीनार तक सुनाई देगा। मेरे घर की दहलीज तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संबोधित करने वाले हैं तेलुगु की पैन इंडिया रिलीज फिल्म स्कांदा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म स्कांदा की, तो राम पोथिनेनी श्रीलीला एंड साई मंजरेका स्टार फिल्म स्कांदा को 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और फिल्म जब से रिलीज है कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म स्कांदा महज 5 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। वहीं दोस्तों देखते देखते फिल्म स्कांदा के आज बॉक्स ऑफिस पर डे 7 कलेक्शंस पूरे हो चुके हैं, यानी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने फर्स्ट वीक को कंप्लीट कर चुकी है और फिल्म अपने सेकंड वीक में इंटर कर चुकी है। फिल्म स्कांदा के आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 7 की बात कर ले तो फिल्म स्कांदा ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 7 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 2 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म स्कांदा का फ्रॉम डे 7 तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 58.50 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 42.75 करोड़ की अभी तक टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म स्कांदा अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 58.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जिसमें से 31 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है। दोस्तों फिल्म स्कांदा के बजट की बात करें तो फिल्म स्कांदा को ओवरऑल 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। और दोस्तों फिल्म अपने बजट मुकाबले वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर 60 करोड़ के आंकड़े के नजदीक पहुंच चुकी है। दोस्तों फिल्म स्कांदा 2023 की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। दोस्तों फिल्म स्कांदा फैमिली इमोशंस के साथ साथ जबरदस्त एक्शन सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं। फिल्म स्कांदा को अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं राघव लॉरेंस एंड कंगना रनौत स्टार फिल्म चंद्रमुखी 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म चंद्रमुखी 2 की, तो तमिल फिल्म चंद्रमुखी 2 फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म कलेक्शन करने के मामले में 50 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर डे 7 कलेक्शन पूरे हो चुके हैं, यानी फिल्म आज अपने फर्स्ट वीक को कंप्लीट कर चुकी है और फिल्म अपने सेकंड वीक में इंटर कर चुकी है। फिल्म के डे 7 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 7 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 2.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म चंद्रमुखी 2 का फ्रॉम डे 7 तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 57 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म को अपने स्टेट तमिलनाडु से 25.50 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 9 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। दोस्तों फिल्म चंद्रमुखी 2 को ओवरऑल 65 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म चंद्रमुखी 2 को तमिल के अलावा तेलुगु और हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म फुकरे 3 की, तो पुलकित सम्राट वरुण शर्मा मंजोर सिंह एंड पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म फुकरे 3 के आज बॉक्स ऑफिस पर डे 7 कलेक्शन पूरे हो चुके हैं, यानी फिल्म आज अपने बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीक को कंप्लीट कर चुकी है और फिल्म फिलहाल कलेक्शंस करने के मामले में अनस्टॉपेबल है और कमाई करने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म फुकरे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 7 की बात करें तो फिल्म फुकरे ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 7 के अंदर करीब 4 करोड़ की नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म फुकरे 3 का फ्रॉम डे 7 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 63.28 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 75 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। फिल्म फुकरे 3 के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिलहाल दोस्तों फिल्म फुकरे 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों फिल्म फुकरे 3 को आपने अभी तक मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी नाना पाटेकर अनुपम खेर एंड पल्लवी जोशी स्टार फिल्म द वैक्सीन वार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों फाइनली फिल्म द वैक्सीन वार की आज बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका है। फिल्म को 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और फिल्म फिलहाल कलेक्शन करने के मामले में काफी ज्यादा स्लो है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर 50 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म द वैक्सीन वार का फ्रॉम डे
7 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 8.15 करोड़ की ही टोटल अभी तक नेट कमाई कर सकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों फिल्म के बारे में आप सभी को बता दूं तो फिल्म दी वैक्सीन वार 2020 में कोरोना काल में भारत द्वारा बनाए गए वैक्सीन और दवाई से प्रेरित होकर फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को विवेक अग्निहोत्री डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म में नाना पाटेकर लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म को दोस्तों आपने देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेका जो का हाल फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।